जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आरबी राइडर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला जितने मेरे डिफेंस भाई हैं, डिफेंस पर्सन भाई हैं, आज उनके लिए बहुत ही खास रहने वाली है वीडियो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, और हो सके तो वीडियो का है लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जय हिंद और राम राम। चलिए, ज्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो काम की बात ही करेंगे, तो काम की बात के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। तो डिफेंस पर्सन को जो टोल टैक्स एग्जेम्प्टेड है फास्ट टैग, वो कैसे आपको बनवाना है। तो डिफेंस पर्सन जब भी जो है अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें हाईवे पर मौजूद कोई भी टोल टैक्स है उस पर अपना आई कार्ड क्या उनको दिखाना होता है, और उन्हें क्या तभी टोल टैक्स के ऊपर उनको जो है पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु फास्ट टैग कई कई जगह पर ऐसे भी टोल टैक्स है जहाँ पर आई कार्ड दिखाने के बावजूद भी फौजी पर्सन को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, उनको वहाँ पर छोड़ा नहीं जाता है। परंतु फास्ट टैग लागू होने के बाद दोस्तों क्या है, डिफेंस पर्सन की दिक्कतें काफ़ी जो है हद तक है सामने आ रही हैं, क्योंकि टोल टैक्स अभी फास्ट टैग से जो है दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पर, क्योंकि टोल टैक्स कर्मचारी उन्हें एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग यूज़ करने के लिए कहते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एग्जेम्प्टेड जो फास्ट टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या टोल टैक्स भरने की आवश्यकता जो है ना पड़े। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, कि आपको हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो क्या आपको टोल टैक्स के माफ़ी की जो कैटेगरी है, क्या आप उसमें आते हैं? इस जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टोल टैक्स जो है एक्स सर्विसमैन के लिए माफ़ नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तथा सर्विंग सोल्जर जो ऑन ड्यूटी है उन्हें टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार जो है डिफेंस पर्सन के लिए जो है जो टोल टैक्स है वो पर्सनल व्हीकल में भी अगर जा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर जो भी सोल्जर है और अगर वो छुट्टी पे है तो उसको ऑन ड्यूटी ही माना जाता है, तो उसके पर्सनल व्हीकल के लिए अभी जो है टोल टैक्स जहां पर भी वो जाएंगे वहां पर टोल टैक्स उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर टोल टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग बनाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता दो दोस्तों यहाँ पर। तो कंप्लीशन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको व्हीकल की आरसी जो है, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, और टोल टैक्स माफ़ी का जो है प्रूफ, यानी कि आपको जो आपकी यूनिट है वहाँ से वो आपको वहाँ पर बनवाना होगा, साइन करवाने होंगे उस पर। तो एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? तो एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अलग से एक वेबसाइट तैयार की है उन्होंने, जिस पर आपको विजिट करके जो है एलिजिबल पर्सन जो है, जितने भी एलिजिबल जो पर्सन है उसके लिए एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको एनएचआई की वेबसाइट पर जाना होगा, एनएचआई पे जाना होगा, वहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। इससे आपको क्या है, फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, सबसे पहले एनएचआई की वेबसाइट पर फर्स्ट फोटो जो कि रेड कलर से मार्क किया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज करना होगा, जिसके बाद आपको लॉगिन के लिए डिटेल पूछी जाएंगी। वो सारी पेजेस पर आपको ऑलरेडी जो है यूज़र के लिए रजिस्टर्ड होता है, तथा अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसमें लॉगिन करने के लिए उसको यूज़ करना है, यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा वहाँ पर, उसके बाद आपने उसमें लॉगिन करना है। आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपके पास एक नया होम पेज ओपन हो जाएगा और आपको अपना अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। इस पेज को आपको इस पेज पर आपने अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी एंट्री करना है, और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात आपका अकाउंट बन जाएगा और आप अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपकी जो लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास जो यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट के अंदर क्या है लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म क्या है डाउनलोड करना है, उसके पश्चात आपको अपलोड फॉर्म के जो ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है, उसके बाद एनएचआई की जो रीजनल सेंटर को चुनना है और जिसके अंतर्गत आपका सिटी आता है, उसके पश्चात आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को चूज करना है, जो कि डिफेंस कैटेगरी आएगी उसको आपने चूज करना है। इसके बाद अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंटर करना है, और आपका जो एग्जेम्प्टेड फास्ट टैग बनाना चाहते हैं ये कार्रवाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट जो है सबको स्कैन करने हैं और उस पर अपलोड कर देने हैं, जैसे कि जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, व्हीकल की आरसी है, और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो गया, और टोल टैक्स माफ़ी का जो प्रूफ है। इसके बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, एप्लीकेशन आपकी सबमिट करनी है आपको। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त होगा और आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन का जो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं कि उसमें कोई किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, और ईमेल
द्वारा यूजर को जो है बता दी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जब एग्जाम्प्टेड फास्टैग अप्रूव हो जाता है तो यूज़र को NHAI की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें वो आपके मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP का इस्तेमाल करके फास्टैग को इशू कर देते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्प्टेड फास्टैग को NHAI के रीजनल सेंटर जो कि एक एप्लीकेशन भरते हुए समय चुना था वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी डिफेंस पर्सन के लिए कुछ एग्जाम्प्टेड फास्टैग बनाने की कम्प्लीट जानकारी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डिफेंस पर्सन को जो टोल टैक्स के छूट के योग्य हैं उनके साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों मैं यही चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा सर्विंग पर्सन तक ये जानकारी पहुंच सके। एक्स सर्विसमैन के लिए अभी ये लागू नहीं है कोई भी चीज़ें, तो एक्स सर्विसमैन के लिए टोल टैक्स माफ़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी टोल टैक्स माफ़ होना चाहिए क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो सेना के अंदर क्या है बिता देते हैं, सेना देश रक्षा में बिता देते हैं, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों देख सकते हैं मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंच सके। और चैनल पर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रस्टेड जानकारी ही देखने को मिलेगी। हर तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है और इस चैनल के ऊपर को बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलती होंगी दोस्तों, और कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर होती होगी। मैं हर तरह से आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।